Good morning, everyone. My name is Mamta Raman. I am Assistant Professor of Commerce in German College of Stock. आज के इस वीडियो में जो हम लर्निंग अपनी शेयर करने वाले हैं वो है रिगार्डिंग कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस अपनी क्लास में से कैसे रख सकते हैं. इसके लिए जो चीज़ हमें आनी चाहिए वो सिर्फ है एक्सेल की गूगल की, बस इतना ही हमें आना चाहिए. बाकी जो काम है वो गूगल अपने आप करेगा. तो यहाँ पर आप जो ये चीज देख रहे हैं ये एक प्रीव्यू आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अटेंडेंस मेंटेन की जाती है. इस मेथड के जो इस तरीके से हम अटेंडेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं. इसके एडवांटेजेस ये हैं कि हमें बस एक बार अपनी ये एक्सेल शीट की जो बेसिक फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करना है, बाकी का जो काम है वो स्टूडेंट करेगा एंड एट द एंड ऑफ द मंथ जो है टीचर का काम आता है. जैसे रोल नंबर क्या है, आपका नेम क्या है बच्चे का, क्लास कौन सी है आपकी और टीचर कौन सा होता है, सिर्फ ये डिटेल्स हमने फिल करनी है. फिर डेट का, मंथ का हमें रिकॉर्ड रखना है वो हम यहाँ पर फिल कर लेंगे, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है विद नेम ऑफ दी डेट. इसके बाद जब हम इस चीज को शेयर करेंगे हमारे स्टूडेंट्स के साथ तो उसके पास जो इंटरफेस आएगा जिस तरीके से फेसबुक में आपके पास इंटरफेस आता है कि आप कमेंट कीजिए, तो इसी तरीके से बच्चे के पास कमेंट का जो है वो ऑप्शन आएगा. ये जो ऑप्शन है हम बच्चे को प्रोवाइड करेंगे कि वो कमेंट कर सकता है या एडिट कर सकता है या व्यू कर सकता है सिर्फ इस चीज को. तो जब हम इसे डिटेल में प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी. तो यहाँ पर हमने बच्चे को जो राइट दिया है वो राइट दिया है सिर्फ कमेंट करने का. तो इसके पास जो ऑप्शन आएगा जब वो इस चीज के लिंक को क्लिक करेगा तो उसके पास कमेंट का ही ऑप्शन आएगा और वो उसके ऊपर कमेंट करेगा. तो इसके बाद जो आपको इंटरफेस नजर आएगा इस चीज का जब आप इसे अपने गूगल ड्राइव में खोलेंगे तो ये येलो मार्क आपको नजर आएगा. ये येलो मार्क इस चीज का इंडिकेटर है कि बच्चे ने अटेंडेंस मार्क कर दी है, इसने कमेंट कर दिया है. तो यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मैं इससे अपना सर्टिफिकेट लेके जा रही हूँ तो बच्चे का जो नेम है वो आ रहा है जिस नेम पे इसने अपने मोबाइल में अपना नेम स्टोर किया हुआ है और यहाँ पे टाइम आ रहा है, डेट आ रही है और कमेंट जो उसने लिखा है वो आ रही है, वो आ रहा है. तो यहाँ पे अगर देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये मेरा 9 जून का है जो अटेंडेंस मार्क करने की डेट है. तो यहाँ पर बच्चे ने 9 जून को 11:08 AM पर इसने अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क. तो इस तरीके से जो बच्चा है पूरे मंथ अपनी अटेंडेंस मार्क करेगा. उसके बाद टीचर एंड पर जो टीचर है वो इसको एनालाइज करेगा शीट को कि जिस जिस बच्चे ने जो कमेंट किया है वो क्या प्रॉपर इसी डेट और टाइम पर कमेंट किया है. इसमें कई बार बच्चे क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर हम इस कमेंट को देख रहे हैं, यहाँ जो अटेंडेंस लगानी है बच्चे ने वो लगानी है 11/6 को, लेकिन बच्चे ने लगाई है वही अटेंडेंस 7/17 जून को. तो यहाँ पर हम बच्चे को कैच कर सकते हैं कि बच्चे ने लेट अटेंडेंस लगाई है. तो इसी चीज को हम एट द एंड ऑफ द मंथ एनालाइज करते हैं. यहाँ पे जो बच्चे ज्यादा स्मार्ट बनते हैं तो उस चीज का यहाँ पर सॉल्यूशन है कि हमें पता चल जाता है कि बच्चे ने ऑन टाइम अटेंडेंस लगाई है या नहीं लगाई है, या इसकी अटेंडेंस किसी और ने तो नहीं मार्क कर दी, या फिर इसने किस टाइम पर अटेंडेंस मार्क की है, लेट मार्क की है या एडवांस में इसने अटेंडेंस मार्क की है, उस चीज को हम एनालाइज कर सकते हैं और बच्चे को अकॉर्डिंगली हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. तो इस तरीके से हम यहाँ पर अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं. और उसके बाद एट द एंड ऑफ द मंथ जब हम एनालाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन है कि बच्चे अगर प्रेजेंट है, टाइमली इसने अटेंडेंस मार्क की है तो हम फी फिल कर सकते हैं. अगर हमें लगता है कि इसने ज्यादा स्मार्टनेस दिखाई है, उसने अटेंडेंस एडवांस में लगा दी है या लेट अटेंडेंस लगाई है, तो जो भी ऑप्शन हम फिल करना चाहो, उसे एब्सेंट मार्क करना है या आपने इसकी लीव लगानी है या आपने कुछ डिस्क्रिपियंसी लगानी है बच्चे की तरफ से दे रही है, तो जो भी आपने यहाँ पे मार्क करना आप चाहते हैं वो आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं. और इस तरीके से जो हमारा अटेंडेंस का रिकॉर्ड है हम रख सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से इसे बनाया जाता है. इसके लिए सबसे पहले जो चीज होनी चाहिए साथ ही हमारा जीमेल आईडी होना चाहिए. जीमेल आईडी में आपके पास गूगल शीट के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया.
यहाँ पे गूगल शीट का ऑप्शन हमारे पास चाहिए। अब यहाँ पर टेम्पलेट गैलरी में हम जाएंगे, टेम्पलेट गैलरी में अंडर एजुकेशन हेडिंग आपके पास अटेंडेंस का शीट आया, हमने इसको क्लिक किया। यहाँ पर हमारा ये जो शीट है, टेम्पलेट है, इसमें ऑलरेडी हमारे पास जो डाटा है कुछ चीज है, जैसे हमारे पास जो डेट है और जो नेम ऑफ द डे है वो यहाँ पे फिल है। इसे अकॉर्डिंगली अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जिस भी मंथ आप लेना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्लास का जो नेम है वो मेंशन करना है, टीचर का नेम, स्टूडेंट का नेम। तो हमारे पास अगर एक शीट ऑलरेडी बनी हुई है जहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी डिटेल्स है बच्चों की, कॉलेज का रोल नंबर है बच्चों का, यूनिवर्सिटी रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, तो हमारी एक शीट में हम रोल नंबर का कॉलम ऐड करके बच्चों का जो रोल नंबर है यहाँ पर डाल सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे डाला हमारा रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 2 है, या अगर आप पूरा फुल फ्लेज रोल नंबर डालना चाहते हैं तो आप फुल फ्लेज रोल नंबर डाल दे सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास जो रोल नंबर गिवन है इसको कॉपी किया और यहाँ पर हमने इसको तो इसके बाद आप इस रोल नंबर को जैसे कि हम फिल करते हैं फिल करते हैं और 1001 आ रहा है, ये सीरीज में हम जो यहाँ पे रोल नंबर को फिल कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिकली जो फिल हो जाता है वो ऑप्शन भी यहाँ पर ये और इसको के लिए हमारे पास इसमें फोन नंबर आएगा। अब यहाँ पर हम जो बच्चों के हमारे पास नेम्स है इसके अकॉर्डिंग हम जो बच्चों के नेम्स है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो स्टूडेंट है हमारा उसका नेम आशीष है, तो हमने यहाँ पर फिल कर दी। तो आपके जो नेम्स हैं कट कॉपी पेस्ट करके आप चाहे तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, या अगर आप अपने टाइपिंग करके फिल करना चाहते हैं तो आप टाइपिंग करके भी इसको फिल कर सकते हैं। तो हमने जो नेम्स हैं उनको कॉपी किया और अपनी शीट के हिसाब से हम उसको फिल कर दिया। अब ये जो रोल नंबर है नेम्स है बच्चों के हमने डाल दिए, यहाँ पे हमने क्लास नेम भी दिया जो भी हमारी क्लास है। सपोज हमारी जो क्लास है वो है फॉर्म फर्स्ट ईयर, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सपोज फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो हमने उसे यहाँ पर मेंशन कर दिया। और यहाँ पर आप टीचर का नेम लिख सकते हैं जो कि कंसर्न है वो अपना नेम यहाँ पे कर सकता है। हम यहाँ पर से चलते हैं और यहाँ पर जो मंथ है वो हम चेक कर सकते हैं। हमारा जो डेट है मंथ है और जो हमारा ईयर है हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जो हमारा मंथ है और जो डेट है हम कहते हैं हमारा मंथ और इसको ड्रैग हम करेंगे लास्ट तक तो हमारी डेट और ये ऑटोमेटिकली देखिए आगे जो 1 नवंबर है वो चेंज हो गया। सेम तरीके से जो हमारा डे आया है डेटी ऑटोमेटिकली चेंज हो। तो अब ये जो हमने बनाया है शीट इसको हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं। शेयर के लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, आपके पास शीट में ऑप्शन गिवन है शेयर, उस शेयर पर हम क्लिक करते हैं। शेयर
शेयर पे हमने क्लिक किया तो शेयर करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो है कि यहाँ पर हम हर एक इंडिविजुअल बच्चे का ईमेल एड्रेस डालें, लेकिन वो हमारे लिए लेंथी प्रोसेस है। प्लस अगर हमने ईमेल डाला तो हर बच्चा जो है वो रिक्वेस्ट आपसे करता है कि आप उन्हें राइट दे, राइट किस चीज का कमेंट करने का या एड्रेस करने का, ये जो भी आप देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मेरा नेम आ रहा है तो यहाँ पर मेरा ईमेल आईडी के आगे लिखा हुआ है कि मैं ऑनर हूँ। इस एक्सेल शीट की जब मैं किसी और का ईमेल आईडी यहाँ पर डालूंगी तो हर एक के लिए मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा कि मैं उसे कौन सा राइट दे रही हूँ। तो बेस्ट तरीका है, जो शॉर्ट तरीका है, जहाँ पर हमने इसको चेंज किया कि जो आपका जिसके पास ही लिंक है इसके पास ये शेयर हो जाए और वो इसे क्या कर पाए उसके लिए हम उसे राइट दे रहे हैं। क्या है कि एनी वन मुद्दा लिंक, जिसके पास भी लिंक है वो इसे क्या क्या कर सकता है, खाली व्यू कर सकता है, कमेंट कर सकता है या एडिट कर सकता है। हम खाली कमेंट की यहाँ पर जो राइट है बच्चे के लिए, अगर हम एडिट का राइट दे देते हैं तो एवरी टाइम आपके जो जीमेल अकाउंट है उससे मेल आएगा और वहां पे हर एक इंडिविजुअल बच्चे को, हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को आपको राइट देना पड़ेगा आपका जो ये एक्सेल शीट है उसे एक्सेस करने के लिए। तो इससे बेटर है कि हम उन्हें सिर्फ कमेंट का राइट दें। तो कमेंट का हमने राइट यहाँ पर दे दिया, हमने उसके बाद इस लिंक को कॉपी किया और ये डन हो गया। अब इस लिंक को जो है हम शेयर कर सकते हैं जो भी हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, या फिर जो आपका गूगल क्लासरूम है अगर आपका, तो वहां पर आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं। जैसे ये मैंने सेंड किया अपने आप को, अब इस लिंक को, अब इस लिंक को जब मैं ओपन करते हैं तो ये प्रीव्यू मुझे नजर आ रहा है। अब ये जो ईमेल आईडी है जो मैंने इसको सेंड किया था अपने आप से, वहां मैं इसको ओपन कर रही हूँ तो यहाँ पर मुझे ये प्रीसेट नजर आ रहा है। यहाँ पर सपोज मैं इस कॉलम में कम जो है फिल करना चाहती हूँ अपने अकाउंट में, तो यहाँ पर मुझे कमेंट का ऑप्शन अवेलेबल करा है। एक पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर जो है कमेंट मैंने फिल किया, मैंने टी का कमेंट किया तो यहाँ पर टी कमेंट मैं फिल कर सकती हूँ। टाइम और डेट आपसे यहाँ पर मैं कहूँगा। अब ये था जो प्रीसेट हमने सेंड किया था स्टूडेंट को, अब स्टूडेंट का प्रीसेट ये शो हो रहा है। अब हम देखते हैं कि जो टीचर का प्रीसेट है वो क्या शो हो रहा है। टीचर के प्रीसेट में देखिए ये चीज शो हो रही है, यहाँ पर आपको येलो चीज नजर आ रही है, ये येलो जो मार्क है वो कमेंट नजर आ रहा है कि मैंने फिल किया है उस डेट और टाइम पर। तो इस तरीके से पूरे मंथ का जो बच्चा है अपनी असाइनमेंट फिल कर सकता है एंड एट द एंड ऑफ द मंथ हम उसको एनालाइज करते कि सही टाइम पर उसने फिल किया है, हम उसको मार्क कर सकते हैं। इसी में हम और भी फीचर्स ऐड कर सकते हैं कि हम यहाँ पर टोटल कर ले कि टोटल प्रेजेंस इसके कितने हैं, टोटल एब्सेंट कितने हैं, और उसके बाद हम इसकी टोटल अटेंडेंस को भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं जो आगे के हमारे फीचर हैं। तो इसी गूगल शीट को अगर हम एक्सटेंड करके चाहें तो यूज कर सकते हैं हम अपने कॉलेज लेवल पर, अपनी जो एक्सटेंडिंग कमेटी होती है इसके लिए जो काम उसका होता है कि फाइन जो है बच्चों का कैलकुलेट करें, इसके लिए हम इन एक्सेल शीट का यूज कर सकते हैं। मतलब जो भी हमारा फाइन कैलकुलेशन का वर्क है उसे हम ऑटोमेटेड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की लर्निंग। अब इसमें कुछ चीजें जो बेसिक्स हैं वो हम अपने आप कर सकते हैं कि जो नेम है हमारी शीट का वो हम चेंज कर सकते हैं, अटेंडेंस दे दीजिए या अटेंडेंस का नाम जो आपने क्लास का नाम रखना है वो दे सकते हैं आप। यहाँ पर आप शीट का नेम चेंज कर सकते हैं कि आपने अगर लिखना है अटेंडेंस मे की अटेंडेंस है या जून की अटेंडेंस है, जो भी है जिसकी मंथ की, जैसे ये अटेंडेंस हमारी अक्टूबर की है तो मंथ अटेंडेंस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 21 हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो ये था एक मैथड जिसके थ्रू हम ऑनलाइन अटेंडेंस का जो ट्रैक है स्टूडेंट्स के का वो रख सकते हैं और एट द एंड ऑफ द मंथ हम इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीक। थैंक यू सो मच।